देखिए, जिस तरह से जेलन प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों की सांसें फूल रही हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पार्षद का चला जाना ऑक्सीजन सैचुरेशन होने के कारण से, और फिर प्रशासन को बताने के बावजूद प्रशासन का ध्यान नहीं देना, और दूसरी बार पुनः ये घटना घटित होना, ये इंगित करता है कि जेलन प्रशासन का जेलन की व्यवस्थाओं को लेकर के कोई ध्यान किसी प्रकार का नहीं है, ना वो गंभीर है कि जेलन की व्यवस्थाएं सुधरे। और उसी का दुष्परिणाम है परसों रात की जो घटना घटी है, वो सारे मीडिया के पास कैमरों में कैद है, और ये नहीं कहा जा सकता उन तस्वीरों को देख करके, उस भागदौड़ को देख करके सब परिजन अपने अपने पेशेंट्स की ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित होने के कारण से कैसे व्यवस्था हो, इसकी अरफा तरफी में एक दूसरी जगह दौड़ रहे हैं। रात के 11 बजे की ये घटना, 11:15 बजे की ये घटना है, और यदि अस्पताल प्रशासन को इस गलती की ओर ध्यान इंगित किया जाता है, बताया जाता है, तो इसमें उनको बुरा मानने की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते से व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, व्यवस्थाओं की ओर ध्यान इंगित कराया जाए, ये मेरा ना केवल कर्तव्य बल्कि नैतिक कर्तव्य भी मेरा है। लोगों की जान बचाना डॉक्टर का कर्म है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, यदि उस पर डॉक्टर बैठा है तो प्रशासनिक अधिकारी के नाते से उन्हीं को बोलना पड़ेगी चीज़ों को, और इसलिए प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते से उनको जिम्मेदारी है कि वो सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अस्पताल प्रशासन को उन मरने वालों परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए, कि वो माफ़ी मांगे कि हमारी गलती के कारण से वो मरे हैं। इसके बजाय अस्पताल प्रशासन और दोषारोपण कार्रवाई कर रहा है, ये भर्त्सना योग्य है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि यदि अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी तो किसको कहेंगे? यदि अधीक्षक के पद पर कोई डॉक्टर बैठा है तो डॉक्टर को ही कहेंगे। आपको लगता है कि डॉक्टर को नहीं कहनी चाहिए तो अधीक्षक के पद पर किसी और को बिठा दीजिए, हम उसको कह देंगे। परंतु जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, और ये जांच में भी साबित हो गया कि वो जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन थी उसमें खराबी आई थी, टेक्निकल खराबी आई थी, और उस कारण से ऑक्सीजन सैचुरेट हुआ था। दूसरे वार्डों में तो ऑक्सीजन सैचुरेट नहीं हुई, उसी वार्ड की ऑक्सीजन की सैचुरेट हुई, ट्रॉमा वार्ड की ही, क्योंकि उसमें खराबी आई थी इसलिए हुई। और रात को दो लोगों की मौत होना ये इंगित करता है, जो गंभीर मरीज होते हैं जिनको टोटली जो ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट होते हैं, यदि एक मिनट भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो निश्चित रूप से मेडिकल साइंस के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि शरीर पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है और वो कैसे बॉडी ख़त्म होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसके कारण से मरीज एक मिनट में ही चला जाए, किसी किसी की बॉडी धीरे धीरे रिस्पॉन्स करती है, किसी की बॉडी तेज़ी से रिस्पॉन्स करती है, तो बॉडी तो अलग अलग होती है। तो कोई 11 बजे किसी की मौत हो गई, किसी की 11:30 बजे मौत हो गई, पर हुई उसी से मौत है। इसलिए इस पर पर्दा डालने की बजाय अस्पताल प्रशासन उन मरने वालों के परिवारों से माफ़ी मांगे, और ये व्यवस्था करे कि किसी भी प्रकार से अब ये व्यवस्थाएँ जो है डगमगाएंगी नहीं, दुरुस्त रहेंगी, ताकि जो लोगों का विश्वास है हॉस्पिटल्स पे से वो नहीं उठे, और लोग निडर होकर के अस्पतालों में अपना इलाज करा सके। ये जो महामारी है, ये महामारी इतनी भयंकर महामारी है कि इसको किसी, इस वायरस ने किसी को नहीं छोड़ा, कोई सगा नहीं है इस वायरस का। इसलिए जब भगवान ने ही इतनी बड़ी मुसीबत हमें दी है, तो कम से कम इंसान तो उस मुसीबत का मुकाबला करे, कम से कम इंसान तो जिसके पास जिम्मेदारी है व्यवस्था करने की, वो तो व्यवस्था करे कम से कम। दूसरी ओर रही कांग्रेस की बात, तो मैं कांग्रेस से इतना निवेदन करना चाहूँगी कि कांग्रेस के मंत्री रघु शर्मा जी, मैं अभी की बात नहीं कर रही, पिछले एक साल में कोरोना के इस भयंकर महामारी में भी अजमेर आकर के उन्होंने जेलन की व्यवस्थाएं देखने की उनको फुर्सत नहीं है। आए दिन जेलन में मेंटेनेंस के अभाव में कभी इस कमरे का प्लास्टर गिरता है, कभी उस कमरे का प्लास्टर गिरता है, कभी कंप्यूटर टूट जाता है, कभी कर्मचारी के ऊपर प्लास्टर गिर जाता है,
तो ये व्यवस्थाएं ठीक है क्या कांग्रेस के शासन की? कांग्रेस यदि शासन में ठीक व्यवस्थाएं करे तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर कांग्रेस के ही पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने पिछली दफ़ा क्या किया था? उनको अपने गरीबान में झांक करके देखना चाहिए क्या किया था उन्होंने, किसके साथ किया था, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने मर्यादित भाषा में संयमित तरीके से डॉक्टर्स को जो कहना था मैंने कहा। ये यदि डॉक्टर्स को गलती लगती है तो ये गलती मैं बार बार करूँगी और इस गलती करने में मुझे कोई भी परहेज नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है, जनता की रक्षा करना मेरा दायित्व बनता है। मैम डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि आप माफी मांगो, मैंने कहा ना कि डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो माफ़ी मांगे उन लोगों से जिनकी मौत हुई है। क्या प्रशासन को उनकी गलती की ओर ध्यान इंगित कराना गलती है क्या? यदि गलती हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? मुझे बताइए ना उनको गलती, और गलती ना बताई जाए इसका मतलब क्या होता है? गलती नहीं बताया जाए इसका मतलब साफ है कि हम अपनी मर्जी से करेंगे जो कुछ करेंगे, चाहे अस्पताल में व्यवस्था हो रही हो तो कोई नहीं बोले हमारी व्यवस्थाओं को लेकर के, यही चाहते हैं क्या?